बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब क्लास टू? आई होप आप लोगों का पिछला जो हम जितना पढ़ा है वो आप बहुत अच्छी तरह रिवाइज हो गया है, आप उसको समझ पाए हैं और अब इंशाल्लाह आपको उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो गई है। सो जस्ट टेक आउट योर बुक्स नाउ एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट चैप्टर इन बुक काउंटडाउन बुक टू। ठीक है जी, अपने बुक्स निकालिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं दैट इज एडिशन, यानी प्लस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पहले भी ये कर चुके हैं, बहुत सिंपल है, उन्हीं रूल्स पे बेस किया हुआ है ये सारा कुछ। एडिशन मीन्स टू ऐड समथिंग। ठीक है, वी आर ऑल फेमिलियर विद बेसिक एडिशन, हम सबको बेसिक एडिशन छोटी क्लासेस में पढ़ाई गई है। ठीक है, हमें पता है कि एडिशन क्या होती है, प्लस करना क्या होता है। जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। ये देखिए, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को, नंबर्स को हम इकट्ठा मिलाते हैं, उनका एक नया टोटल बनता है, तो दैट थिंग इज नोन एज एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल आपके पास है, एक बॉल आपके फ्रेंड ने आपको दिया, टोटल बॉल्स आपके पास कितने हो गए? टू। वन प्लस वन इक्वल्स टू। सिमिलरली आपके पास थ्री बिस्किट्स थे, आपको टू बिस्किट्स आपके भाई ने ला के दे दिए, राइट? टोटल आपके पास कितने बिस्किट्स हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव। सो टोटल इज फाइव। जब हम थ्री और टू को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर? फाइव। सम इज फाइव, थ्री प्लस टू इज फाइव। इनको हम सम भी कहते हैं, इसको हम एडिशन भी कहते हैं, इसको हम सिंपल प्लस साइन से भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी एड? हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइव प्लस थ्री, हाउ विल वी कैलकुलेट? हम क्या करेंगे? स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर फाइव, जो हमारा बड़ा नंबर है उसके आगे से हम काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? फाइव। फाइव से आगे काउंट कीजिए, थ्री कितना बन जाएंगे? फाइव सिक्स सेवन एट। सो द आंसर इज एट। ठीक है, आप अगर ड्रॉ करके काउंट नहीं करना चाहते, आप अपनी फिंगर टिप्स पे भी काउंट कर सकते हैं, आप पेंसिल से अपने रफ साइड पे छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करके भी काउंट कर सकते हैं, आप डॉट्स लगा के भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। और फिर मैं कहूंगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप और उतना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, और उतना एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे, उतनी गलती आपकी कम होगी। हमने जब फाइव प्लस थ्री किया है, फाइव को हमने बीच में नहीं बोला, जब हम थ्री आगे कह लेंगे सर्कल से काउंट करेंगे तो हम सिक्स से काउंटिंग शुरू करेंगे। वी स्किप फाइव एंड वी से सिक्स सेवन एट। ठीक है, एक और कंसिडर कीजिए। ये देखिए, हम इसको अगर वर्टिकली लिखते हैं, जैसे अक्सर हमारी बुक कॉपीज में हम सॉल्व करते हुए लिखते हैं, फाइव प्लस थ्री, फाइव के बाद हम काउंट करेंगे सिक्स सेवन एट, और हमने एट लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गई सिंगल डिजिट एडिशन, जो आई थिंक हमने क्लास प्रेप से कर रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, फिर भी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए, और अगर किसी बच्चे को कहीं कोई कंफ्यूजन थी तो वो दूर हो जाए, राइट? उसके बाद अब देखिए टू डिजिट नंबर्स में एडिशन। ठीक है, आई विल बी कॉन्टिन्यू विद दैट। देखिए, हम उसमें ऊपर मेंशन कर देते हैं वंस एंड टेंस। हमारे पास डिजिट्स क्या क्या है? 23 प्लस 41। हमने 23 भी लिखा और 41 भी लिखा, बहुत ध्यान से हमने वंस के नीचे वंस लिखे, टेंस के नीचे टेंस लिखे। अब सिंपल सा काम क्या करना है, हमने वंस को वंस में ऐड कर देना है, टेंस को टेंस में ऐड कर देना है। ठीक है, 3 प्लस 1 इज 4, 2 प्लस 4 इज 6। वंस वंस के नीचे आए, टेंस टेंस के नीचे आए। बी वेरी केयरफुल कि आपके वंस और टेंस अपनी सही जगह पे आए। अगर वंस और टेंस अपनी जगह से हट जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 25। ये अब सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप अपनी बुक्स खोलिए पेज 25 पर और देखिए उसमें क्या कहा गया है आपको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दीज सम्स या कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। आपके सामने काफी सा एट क्वेश्चंस गिवन है प्लस के, कुछ हम अभी क्लास में करेंगे, कुछ हम अपने
होमवर्क में करेंगे, ठीक है? आपके साथ मैं सॉल्व करती हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं 81 + 13. हम वंस की साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी अपने राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे. 1 + 3 इज व्हाट इज इट? 1 + 3 इज 4. Very good. We will write 4 here. 8 + 1 is 9. ठीक है, मेरे साथ साथ अपनी बुक्स पर ही सॉल्व कर लीजिए. नेक्स्ट आ जाइए 52 + 22. वंस को वंस में ऐड कीजिए, टेंस को टेंस में ऐड कीजिए. सो वंस वाली साइड से शुरू करें, अपनी राइट साइड से. 2 + 2 इज 4. वेरी गुड. 5 + 2 इज 7. पार्ट सी 47 + 41. सो किस साइड से शुरू करेंगे हम? राइट साइड से, वंस की साइड से. वेरी नाइस. 7 + 1 = 8. शाबाश. 7 + 1 आंसर इज 8. 4 + 4. अब देखिए 4 से आगे हमने 4 काउंट करने हैं. 4 के बाद हम काउंट करेंगे 5, 6, 7, 8. फिर भी चेक कर लीजिए, ये 4 लाइंस है. 1, 2, 3, 4. हाँ जी, 4, 5, 6, 7, 8. 4 + 4 = 8. सो हमारा आंसर क्या बन गया? 88. आई एम श्योर आपकी राइटिंग, आप सबकी राइटिंग मेरी राइटिंग से बहुत अच्छी आएगी, ठीक है? 3 + 6. सो बड़ा डिजिट कौन सा है? 6. 6 से आगे 3 काउंट कीजिए. 6, 7, 8, 9. राइट, 9 हियर. वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस. 2 + 5. बड़े डिजिट से आगे काउंट कीजिए, कितने काउंट करने हैं? 2. तो 2 डॉट्स लगा लिए मैंने. 5, 6, 7. हाँ, आ गया 7. ठीक है जी. सो ये 4 क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए हैं. नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है. ओके जी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपने बुक पर ही सॉल्व करने हैं. कोई उसमें प्रॉब्लम अब आपको नहीं होनी चाहिए. सिर्फ आपने किस बात का ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस आए और टेंस के नीचे टेंस आए. ठीक है. सो पेज 25 पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई से एच तक है, वो आपका होमवर्क है. कल हम इसके आंसर्स इंशाल्लाह क्रॉस चेक करेंगे कि वेदर यू हैव डन देम राइट करेक्टली और नॉट. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क. अपनी नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.